हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? मैं मजे में हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे देवस्थान यानी कि मोडा फैमिली के देवस्थान पर। अभी पहले हम थान की फैमिली यानी कि लखन के जो भी देवी देवताओं थे तो उधर हम दर्शन करके आ चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। ये है मेरी मम्मी, हाय। और ये है मेरा भाई अजय, हाय। और आगे बैठे हुए हैं मेरे पापा, हाय। और इधर है लखन। तो पापा, अभी हम किधर जा रहे हैं? हम सोडाना वर्तु कट है, वो फार्म है वहाँ। इधर हमारे सूरापुरा गोराना गोराना वाला मोडा परिवार ना, वहाँ सोडाना धनराज दादा और सत्यई माँ, उसका उसका दर्शन के लिए हम जाते हैं। लेट्स गो। तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि किधर कैसा रास्ता है। अभी हम सोडाने में है और अंदर जाते हुए ये रास्ता आएगा जो डायरेक्टली जाता है सूरापुरा और सत्यई के पास। दोनों का मंदिर पास पास में ही है, धनराज दादा और धनबाई बाई। आ चुके हैं सोढाणा धनराज दादा के उधर और धनबाई सती के उधर। अभी हम करेंगे दर्शन और यहाँ पे लखन गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे अंदर। इधर है धनराज दादा का मंदिर और उधर है धनबाई का मंदिर। यहाँ पे मस्त ग्रीनरी भी है और यहाँ पे कवर किया हुआ भी है, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे हवन भी होता है तो इधर आगे बैठ के हम हवन भी कर सकते हैं। तो ये है धनराज डाडा। यहाँ पे लखन ने जो पछड़ी होती है वो उठा दी है भगवान को, रवि दर्शन कर रहे हैं। तो ये है धनराज डाडा, यहाँ पे प्रसादी और सब कुछ हो चुका है। और इधर बैठे हुए हैं मेरे मम्मी और पापा, हेलो, हाय। ये श्रीफल भी हम उधर चुके हैं और जो पछेड़ी जो होती है वो भी हमने कर दी है। अभी हम जाएंगे वह सामने, वहां पे धनबाई माता जी का जो सतियाई है उसका मंदिर है। लेट्स गो।
हमारा गांव है और हमारे कुल देवी श्री बारहवीं माता जी है, तो हम दोनों शादी के बाद इधर भी हमको पगे लगना होता है, दर्शन करने होते हैं, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे कुल देवी यानी कि बारहवीं माता जी के यहाँ। अभी यहाँ पे हमने वे जो श्रीफल वगैरह होते हैं वो चढ़ाएंगे, माता जी की आरती करेंगे और फिर हम दूसरी जगह भी जाएंगे। अभी हमने श्री बारहवीं माता जी को छत्र चढ़ाया हुआ है, अभी हम माता जी को ये चुंदड़ी है वो उठाएंगे। जय बाली माता की जय। इसको कमन का काठा बोलते हैं। यहाँ पे ही वाचा डडा का मंदिर है आगे जाके। यहाँ पे जनरली सभी यहाँ की स्त्रियों और बच्चे और जो पशु होते हैं उसको नहना के लिए आते हैं, कपड़े धोने के लिए सभी लोग इधर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गोराने गांव के पादर में। पादर में ही श्री वाचा डडा का मंदिर है और हम उधर दर्शन करेंगे। वहाँ पे वर्तू नदी है जो इधर से जाती है वाचा डडा के मंदिर के पास ही, तो हम वर्तू नदी भी आपको दिखाएंगे, वाचा डडा का मंदिर भी आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे।